कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज की ट्रेडिंग रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए, कल के सीपीआई डेटा के बाद हमने देखा गोल्ड और सिल्वर दोनों ही शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग की रणनीति सजेस्ट करूंगा। गोल्ड में करीबन 59,000 के आसपास बाई किया जा सकता है 5,800 के स्टॉप लॉस के साथ, और 59,500 का टारगेट होगा। सिमिलरली चांदी में भी एक अच्छा कल रैली हमें देखने मिला और फॉलो अप रैली आज के सेशन में देखने मिल सकती है। मैं 73,000 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 72,400 के स्टॉप लॉस के साथ सेप्टेम्बर फ्यूचर्स में, और अपसाइड में 74,200 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है गोल्ड और सिल्वर पर राय। अमित, इसके अलावा क्रूड पर क्या रणनीति अपनाएं आज? जी, क्रूड में भी हमने हालांकि कल काफी हैवी इन्वेंट्री बिल्डअप हेडलाइन क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज में आते हुए देखा है, उसके बावजूद कुछ खासी गिरावट नहीं देखी है। इन जनरल कमोडिटीज में बाइंग मोमेंटम के चलते और साथ साथ जो सप्लाई कट हुआ है या होने की आशंका है क्रूड ओपेक प्लस की तरफ से, ये एक सपोर्ट लेंड कर पा रहे हैं। मेरा मानना है 6150 के आसपास खरीदारी की जा सकती है 6350 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, और इस ट्रेड के लिए 6020 जो रिसेंट लोस थे तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके चला जा सकता है। थैंक यू अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह है कुछ रणनीति गोल्ड सिल्वर में खरीदारी और क्रूड में भी खरीदारी करने की राय। अब आते हैं कमोडिटी इक्विटी मार्केट की तरफ, और वहां पर जो टॉप ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो हम आपके सामने एक एक करके क्विकली रखेंगे। रैलिगेयर ने एनसीसी में खरीदारी की राय दी है, 146 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 130 का सुझा रहे हैं, और एनएमडीसी में भी खरीदारी करने की राय, 117 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 108 का। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है गेल, खरीदारी करके चलिए, 115 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 106 का, और इसके अलावा ईडीएसएल में भी खरीदारी करने की राय है, 128 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 112 का। क्वांटिफाई कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पीएल पिरामिड एंटरप्राइजेस, 1,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और बीएल भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से, 130 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस 126 का ये सुझा रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की, एसबीआई में खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं, 610 के लेवल्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 580 का, और आदित्य बिरला कैपिटल में भी 200 के टारगेट के लिए आप यहां पर बाई कॉल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 184 का। तो आज जितने भी ट्रेडिंग कॉल्स हमने आपके सामने रखे सभी के सभी में खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है।